हल्का टूट गया गाड़ी का, पूरा देख सकते हैं ये टूट गया। अभी डाला जो है वो निकलवा के यहाँ पे रख दिए, इसको जो सीधा करवाएंगे। अपनी गाड़ी जो है वो हो गई लोड, इधर पूरा पाइप लोड हो गया, अपनी गाड़ी जो है वो पलटी होना चालू हो गई। यहाँ हैंडपंप वाला भाड़ा मैं आपको बता देता हूँ। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं जा रहा हूँ वापस लोडिंग पे, और लोडिंग पे आज मैं जा रहा हूँ पक्के माल में, अपना पुराना भाड़ा हैंडपंप वाला, जो पुराने लोग मुझे देखते होंगे उनको पता है। तो आज अपन जा रहे हैं हैंडपंप लोड करने बनारस, लोड करके वही या गढ़वा या तो नगर, दो में से एक जगह जाएंगे। तो अभी जो है गाड़ी अपनी हो गई है पूरी रेडी, धो के सुबह ही बता दिया था। तो यहाँ से अब मैं निकलूँगा, और निकलने के बाद जो है सीधा जो है चलेंगे अपन बनारस। और गाड़ी पे अभी भैया धोए ही हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। इसमें क्या क्या रख दिए महाराज, ज़रा देख लिया जाए। पेपर वेपर सब रखा है, बाकी चीज़ें ही हैं। और ठीक है, तो थोड़ा एक बार कपड़ा घुमा देते हैं अच्छे से एकदम। कपड़ा मारने से क्या है, क्लीन रहता है और कोई दिक्कत नहीं है बापा। तो गुरु गाड़ी घुमा लिया, और बड़े भैया भी आज जा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं जाने के लिए, तो बनारस लोड करके आना है, फिर ये उतर जाएंगे घर। कौन हॉर्न बजा रहा भैया? तो निकल रहे हैं हम लोग, और अभी जो है यहाँ से पहले चलते हैं। तो गुरु मैं पहुँच गया था अदलाहाट, और ये हैं मुनीम जी, जिनको आपने देखा होगा जब हमारा मर्चा चल रहा था ताजपुर। इन्होंने भी ले ली भाई नई एसी वाली 1.3T, आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं। गाड़ी नहीं आ रही है ना, नहीं घुमाना पड़ेगा। मैं पहुँच गया भाई, नारायणपुर पहुँच गया। और अभी यहाँ से जो है ये वाला रास्ता ना पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि कार और पिकअप वाले जो है ना वो जा ही ना पाए, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। तो ये जो है शेरपुर वाले रास्ते से होके जाना पड़ता है। बढ़ाओ भैया। तो गुरु अभी मैं निकल गया हूँ लोडिंग के लिए, अभी मतलब आ गया मैं नारायणपुर। यहाँ से अपने को जाना है वही चांदपुर, बहुत टाइम बाद मैं जा रहा हूँ हैंडपम्प लोड करने। लगभग बहुत टाइम का मतलब ना, मैं मेरे को याद है जहाँ तक कि मैं लगभग एक साल बाद, नहीं जनवरी वनवरी में गया रहूँगा एक आध बार, जनवरी में तो लोडिंग नहीं। हाँ एक साल हो गया, लास्ट बार गढ़वा से लोड कर, मतलब गढ़वा खाली करके चला गया था राजपुर लोड करने, तब का गया हूँ, उसके बाद मैं गया ही नहीं। तो आज जा रहा हूँ वापस हैंडपम्प लोड करने। हैंडपम्प लोड करने में एक दिक्कत होता है, डाला का जो कब्जा है ना वो ख़राब हो जाता है, तो संभाल के लोड करना है, बट देखते हैं। तो अभी मैं हूँ नारायणपुर हाईवे पे, और चलिए यहाँ से चलता हूँ फिर। तो गुरु आ गया मैं बनारस में, पहले मोबाइल चला लो भैया, गाड़ी बाद में चला लेना, ठीक है? कार में बैठे हो ना आराम से रिलैक्स होके, अरे लड़ जाए यार सिटी में, ये तो लोग ऐसे ही जल्दी रहती है, ट्रैफिक इतना रहता है, ऊपर से रिलैक्स होके फोन चला रहे, गार्डन में टहलने आया। वाह भाई, मैं अभी हूँ मड़ुआडी पुल के ऊपर। आप एक चीज़ बनारस में अभी मेरी वीडियो के अंदर अगर कल से नोटिस करेंगे तो आपको टोटो बड़ा कम दिखाई दे रही होगी। टोटो के लिए ना जोन डिसाइड कर दिया गया है, बस इसी जोन में टोटो चलेगी, बाकी शहर में नहीं चलेगी। जैसे लंका जो है वो लंका पूरा टोटो मुक्त है, ठीक है? लंका वही जिधर पे अबिडियम भाई रहते हैं, उन एरियाज में टोटो नहीं चलेगी। और इससे एक नुकसान और फायदा दोनों है। फायदा ये है कि लोगों को तकलीफ नहीं होगी, अब पूरा रोड फ्री रहेगा, आएंगे जाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जब टोटो बंद ही करना है, उनके लिए जोन मतलब जोन डिसाइड करना है, तो जब जोन डिसाइड करना था तो उनको टोटो बेचनी नहीं चाहिए। अब जिनने ईएमआई पे ले रखी है टोटो, उसका ईएमआई कैसे भरेंगे? तो ये सारी, जब गवर्नमेंट कोई नया स्टेप लेती है तो यही हो गया कि आप कंपनी से टैक्स ले लिए, उसने अपनी गाड़ी बेच दी, कंपनी का दायित्व तो कुछ बनता नहीं है। अब ये कहीं से अपना मर मुरा के जो है वो भरेंगे ही, इनको भरना ही पड़ेगा ईएमआई। वो कहीं चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे उन्हीं को पता है, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना लादना है नहीं। तो गुरु पहुँच गया लोडिंग पॉइंट पे, अपनी गाड़ी लगा दिया हमने और ये लोडिंग चालू हो गया। और मतलब ये इन्होंने लेके आया था जो इसमें पलटी हो रहा है, बाकी मेरे में ये जो पाइप है ये 550 पाइप टोटल लोड होगा, 500 या 550 मुझे याद नहीं है, देखो कितना है, अभी बात करना पड़ेगा कि कितना है, 500 है कि 550 है यही बताएंगे। ये इसमें लोडिंग करने में एक दिक्कत आता है, यही जो है ये टेढ़ा होने का चांस है, कब्जा देखो क्या होता है। पूरी अपनी गाड़ी जो है वो हो गई लोड, इधर पूरा पाइप लोड हो गया। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नगर उंटारी के लिए, और देखते हैं, क्योंकि अब जिसका है वो जल्दी उसका खाली नहीं होता है यार, दिक्कत ये है।
एक हैं जो भाई साहब सुबह सुबह खाली करवा लेते हैं, ये भाई साहब हैं ये जल्दी, इनको लेबर इनके पास काम ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है, पैसे नहीं देते क्या है, मेरे को नहीं पता है। तो यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ, पहले बिल जो है वो प्रिंट निकलवा लो, बिल प्रिंट करवाना है क्योंकि बिना प्रिंट बिल के जा नहीं सकते, तो पहले प्रिंट करवाते हैं निकल के। यहाँ लोड करके मैं आ गया अभी दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे, और ये है दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे, देख सकते हैं बन गया भाई, पहले 4 लेन था अब 6 लेन हो गया है वहाँ तक। उसके बाद सर्विस रोड अलग से, सर्विस रोड ना देके अगर पूरा हाईवे कर देता कितना मज़ा आता लोगों को चलने में, 1.5 बीघा में एकदम हाईवे ही हाईवे घूमते रहो मज़ा आ जाता। और इधर आर्किटेक्चर का काम होता है, मंदिर वंदिर जो है मूर्ति वूर्ति बना के देते हैं इधर करके। आगे डाफी टोल ये देख सकते हैं, इतना बड़ा टोल है मैं कितना बड़ा बताऊँ, सासाराम वाले से भी बड़ा है। क्या हो गया भैया, ब्लैक लिस्टेड है क्या, पास वाले हैं या तो ब्लैक लिस्टेड है, दो में से, पास तो दिखाई नहीं दे रहा है बट देखते हैं। सारी गाड़ियां बैक हो रही है क्यों भाई, अच्छा खुल गया ये वाला, आगे सेल टैक्स नहीं है, कहाँ बैठते हैं भैया ये यहीं। तो भाई वहाँ से निकल के आ गया मैं घर पे, और ये गाड़ी घर पे खड़ा कर दिया, और एक कांड हो गया, कांड ये हो गया कि ये कब्जा जो है टूट गया, डाला टूट गया अभी, और वैसे डाला जो है वो टूटता है एक दो बार चलने पे, और ये जो है ये गलती मुकेश भाई की है जिन्होंने डाला बनाया, और इन्होंने ना क्या किया है कि इसको सही से वेल्ड नहीं किया, और जब सही से वेल्डिंग नहीं हुई है तो आराम से तोड़ देगा। अब इनको क्या बोलूँ मैं, हर बात के लिए मैं इनको सुनाना पड़ रहा है, मेरे को दिक्कत ये है कि नहीं मने मत करो काम यार, ऐसा काम मत करो भाई, देख रहा हूँ डाला ही टूट गया मेरा, अब मैं पहले भी लोड करता था ऐसी बात नहीं है जिसमें कभी नहीं टूटा, बट क्या कर सकते हैं। खैर भाई मैं जा रहा था, अपनी गाड़ी उधर खड़ी है, भैया ने मुझे रात को रोक दिया, ये मधुपुर में ही हम लोग थोड़ा सा आगे, और चाय पीने के लिए, और इधर कॉलिंग पे बात हो रही है बीडीएम भाई से, ए प्रदीप भैया से हाल चाल कर रही थी रुकल है, ठीक है तो पहले चाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग ब्रो महादेव, सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं रास्ते में सो गया था, तो अभी जो है मैं दुद्धी मार्केट पहुंचा हूं, ये दुद्धी में हूं मैं, यहां से लगभग मुझे अभी जाना है 25 किलोमीटर, तो ये वाला रास्ता जो है वो जाता है आश्रम मोड़, जब बहुत वो ट्रैफिक हो जाता है उधर तो हम लोग इधर से ही आते जाते हैं खीरा उरा लेके अंबिकापुर से। अभी जो है ये दुद्धी मार्केट, सुबह सुबह का माहौल ये है, बहुत भीड़ हो जाता है यार सुबह ही सुबह। आगे विंडमगंज बॉर्डर, और यहाँ पे कोविड के टाइम पे यहाँ पे एंट्री होता था, नाम लिखते थे, मास्क चेक करते थे पूरा प्रॉपर, उसके बाद अंदर एंटर होने देते थे कि क्या सामान लेके जाने लायक है क्या लेके जाने लायक नहीं है उस हिसाब से। और ये नदी हमने पार करी और ये हम हो गए झारखंड में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस साइड, ये यहाँ पे देखिए नगर उमटारी थाना, यहाँ पे झारखंड पुलिस बैठती थी, पूरा प्रॉपर बैरियर लगा के एकदम मस्त। ये देख रहे हैं टाटा की ट्रकें सब जमशेदपुर से आती हैं और इसी रोड से आती हैं भाई, और इतना ज़्यादा तेज चलते हैं लोग ना, अब जंगल में भी मैं दिखाया नहीं क्योंकि जब जंगल में था तो अंधेरा था थोड़ा, इस वजह से बहुत तेज चलते हैं यार ये लोग, बहुत ज़्यादा ही तेज, ऐसा लगता है इन लोग को मंडी देना। तो गुरु ये झारखंड का चेक पोस्ट हुआ करता था और एक वक्त पे चालू था, और अभी शायद ये बंद हो गया है, ठीक है, और फिर से इसको चालू करने की, क्योंकि ये सब टोल वोल बन रहा है लग रहा है, या तो टोल बन रहा है या तो इसको फिर से चालू करने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि ये पूरा जो है वो बंद कर दिया गया था एक वक्त पे। तो गुरु अभी गाड़ी को खाली होने देते हैं, ये नीचे से देखिए छोटा सा छेदा है उसके अंदर से ये सारा पाइप देंगे, तो अपना ये लोग उतार रहे हैं, उतार लेंगे, इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, मेरे को नींद आ रहा है। अब मैं इसके बाद अंबिकापुर जाऊँगा, मधुपुर जाऊँगा, घर जाऊँगा, मुझे खुद नहीं पता है, पहले मैं गाड़ी को करता हूँ खाली, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मेरे को जाना कहाँ है। कीड़े उड़ रहा भाई, और सुबह सुबह जो है गाड़ी अभी ठीक है। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये ना लोग बड़ा नोटिस कर लेते हैं आप लोग, ये गिर गया है, ठीक है, गिर के ये पड़ा हुआ है, ये देखिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ,
ये रहा, यहाँ पे लगता है और ये गिर गया है तो ये लग नहीं पा रहा है, अपने आप गिर जा रहा है क्योंकि एक साइड का उसका जो है ना वो टूट गया है उधर से, तो ये बहुत लोगों ने नोटिस कर, ये तो बैठ गया यार उल्टा साइड ये, बट सीधा ये है ऐसे लगता है। आगे हमें जहाँ पे गाड़ी करनी है खाली, यहाँ पे लगा दिया गाड़ी अपनी, ये पाइप उतरना चालू हो गया भाई। तो ग्रुप गाड़ी तो हो गई खाली, लेकिन फलका टूट गया गाड़ी का पूरा, देख सकते हैं ये टूट के निकल गया। अभी एक रस्सा खोलूँ, इसको इसके ऊपर बिठाऊँगा, फिर इसको बंद करूँगा और फिर जाके जुड़वाऊँगा। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, पाइप लादने में यही दिक्कत है। और ये तो ये महिंद्रा ने इतना बिल्ड क्वालिटी गंदा कर रखा है अपनी गाड़ियों का ना, इतना ज़्यादा गंदा मैं क्या बताऊँ। ये देखो ठेला लादने में पचक गया, जबकि उस गाड़ी का मेरे बहुत सालों बाद पचका था। और ये देखिए पाइप जब लोड किया ये फेंक दिया, ये वाली लाइन देख रहे हैं ये साफ, ये जहाँ पर मेरा हाथ है ये वाली लाइन पूरा फेंक दिया है, यहाँ और यहाँ दोनों आगे फेंक दिया है। जबकि महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी थी कि ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब मानना पड़ेगा कि सही में टाटा का लोहा टाटा का लोहा होता है। महिंद्रा सिर्फ अब ज़्यादा सेल बढ़ने की वजह से अपनी गाड़ियों के साथ अब मजाक कर रही है और कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि मैं इस गाड़ी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई। जो चाहिए थी वो है नहीं, जो बना है उसका दिक्कत नहीं है। पहले ये मजबूत आता था पूरा, अब एकदम साफ मजबूत है ही नहीं यार, मैं क्या बोलूँ। पहले चक्कर में वो पचक गया फर्श, उसके बाद वो पचक जा रहा है पाइप। मैंने उस गाड़ी में पिछले 3 साल से 2020 से लोड कर रहा हूँ मैं। मेरी ब्लॉग जब देखेंगे आप, इस चैनल का ब्लॉग जो पहला फर्स्ट ब्लॉग है, वो ब्लॉग में भी मैंने पाइप और हैंडपम्प ही लोड किया है, पहला ब्लॉग, और उसमें भी हैंडपम्प ही लोड करके आया था। तो कुछ हुआ ही नहीं गाड़ी को, इसका जो है वो जो मन वो सब पचक जा रहा है, क्या बोलूँ। पहले इसको पूरा अच्छे से मैं ठीक करता हूँ, फिर गाड़ी जो है खाली करने के बाद बनारसी लड़का को बांधा हूँ पूरा, फेंक दिया, देख रहे हो कब्जे में फेंक दिया महाराज, मैं क्या बताऊं। अच्छा हुआ नंबर प्लेट पे कोई स्क्रैच नहीं आया, इधर भी नहीं, जितने में है उतने में वो ठीक हो जाएगा, पेंट मैं करवा दूंगा, पेंट की टेंशन नहीं है, पेंट हो जाएगा ठीक है। तो अभी जो है चलते हैं गाड़ी के अंदर। और यह आ गया, मैं कर रहा हूँ बहुत लो फील रात से ही, और अभी थोड़ी सी लगता है एनर्जी की ज़रूरत है, तो एक एनर्जी ड्रिंक मारते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। दुद्दी से जो है मैं आ गया ये क्या बोलते हैं आश्रम वाले रोड में, और क्योंकि मेरा अंबिकापुर आ गया लोडिंग, पहले लोडिंग नहीं था इसलिए मैं जा नहीं रहा था, बट आ गया है अपना एक लोडिंग, तो अब यहाँ से चलते हैं अंबिकापुर। बज गया है 12, वैसे मैं तो लेट हूँ, यहाँ से कम 3-3.5 घंटा लग जाएगा जाने में मुझे, तो तकरीबन 3-3.25 बजे मैं पहुँचूँगा। कोशिश मेरी है कि पहुँचूँ 3 बजे तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि लोड करके निकलना भी रहता है, फिर अलग अलग जगहों पे जाना सब बड़ी टिटिम्मा वाला काम है यार, बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम लोग और कुछ है नहीं। देखो तो भाई रास्ते में आ गया गैरेज पे, डाला जो है वो निकलवा के यहाँ पे रख दिए, इसको जो है सीधा करवाएंगे हम लोग, सीधा करवा के फिर जुड़वाएंगे क्योंकि कांड हो गया तो। ये सही से जोड़ा नहीं था जिसकी वजह से टूटा है, नहीं तो नहीं टूटता, क्योंकि हल्का टाका मारे पूरा अच्छे से मारा नहीं था। मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा लेट, डाला बनवा के सीधा, बस गाड़ी स्टार्ट ही थी और मैं निकल गया, क्योंकि जाना है भाई, लेट हो जाएगा तो लोडिंग का समस्या है, लोडिंग का समस्या है, इसलिए कि जितना लेट पहुँचूँगा उतना लेट लोडिंग होगा, इस वजह से जल्दी जाना है। और डाला पूरा मेरा ख़राब हो गया, नई गाड़ी का पेंट मेरी वजह से, मतलब छोटी सी गलती थी मेरी कि मैं उस पर लकड़ा एक ख़रीद लिया होता और लगवाता तो इतना नुकसान नहीं होता, मतलब लगवाई तो 300 रुपये लगा, लेकिन लकड़ा भी 150 रुपये का आता, पर कब्जा मैंने जो है वो ख़राब कर दिया पूरा, वो काला हो गया, वापस पेंट मरवाना पड़ेगा, बट वापस पेंट मरवाने के बाद भी वो ऐसा मज़ा नहीं देगा जैसा चाहिए, पर खैर कुछ कर नहीं सकते। बस बॉर्डर पहुँचने ही वाले हैं, 10 किलोमीटर यहाँ से है, पहले बॉर्डर पहुँचते हैं वाड्रफनगर, खाना खाने का इच्छा तो बहुत है, भूख भी लगी है, खाना तो खाएँगे ही, ये तो है, लेकिन सब काम जल्दी जल्दी वाला है वही, और खींच के जाना पड़ेगा पूरा एकदम। छुड़वा के आ गया बॉर्डर पे और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ गुरुदेव, सही में बता रहा हूँ बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि खाना भी खाना है, जाना भी है, रात भर सोया भी नहीं हूँ, रात भर गाड़ी भी चलानी है, बड़ी पंचायत रहता है जीवन में यार, ड्राइवर के जीवन मतलब ड्राइवरों की लाइफ जो है ना वो ईजी नहीं होती अब मेरे को लगता है। पहले तो मान लो पहले से कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी है भैया बड़ो यार, एक तो लेट में लेट तुम ना कराओ। तो
तो भाई अपना खाना वाना हो गया मस्त। अभी थोड़ा मैं खाने के बाद मेरे को लगता है हाँ क्या मतलब ठीक है मैं दुनिया में हूँ, नहीं तो मेरे को लगता है मैं धरती से ही गायब हूँ भाई साहब कसम से, इनविजिबल फील होता है मैं हूँ ही नहीं। ठीक है तो अभी जो है आ गया गाड़ी के अंदर पानी का बोतल और यहाँ से गाड़ी को निकालते हैं, चाबी लगाता हूँ फटाफट। टाइम हो गया काफ़ी, 2:30 बज गया यहीं पे, जबकि अब तक मेरे को अंबिकापुर होना चाहिए था, बट यहाँ से 1.5 घंटे में मैं अंबिकापुर हो जाऊँगा, मतलब 3-4 बजे तक अंबिकापुर, 1 घंटे में लोडिंग करके 5, 5:30, 6 को निकल जाऊँगा मैं। गाड़ी खींच खाच के जैसे तैसे मैं आ गया अंबिकापुर। ये अंबिकापुर में बंगाली चौक पहुंचने वाला हूँ, सीधा मेरे को जाना है रघुनाथपुर। अनिल भाई मेरे को मूर्ख बना रहे हो, बस बोले कि अंबिकापुर आओ, पलटी दे रहा हूँ, पलटी देने के बजाय मजा ले मेरे को कोई मंडी से, मंडी के आसपास से भाड़ा दे दे मेरे को, दौड़ाएंगे सब, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्या बोलूँ अभी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से सीधा भी चलता हूँ मैं, 17-20-25 किलोमीटर और जाना है मैंने, आधा घंटा और चलूँ क्या करूँगा। तो गुरु अभी मैं हूँ रघुनाथपुर में और ये अपनी गाड़ी जो है वो पलटी होना चालू हो गई यहाँ पे, भाई लोग पलटी मार रहे माल लेके आए इसमें, और अभी फटाफट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 5:30 यही बज रहा है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ टाइम रोज़ वही हो जाता है, बट खैर क्या ही कर सकता हूँ भैया, मोटर डाल दिए हैं यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मोटा माल है इसमें, दबा के मार देना, बट ठीक है। अपनी गाड़ी जो है वो अभी भी पलटी हो रही है, अभी मत जस्ट लगा है और मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ क्योंकि पूरा दिन आज गाड़ी चलाना पड़ा, और अभी जो है हैंडपम्प खाली करके आया, हैंडपम्प वाला भाड़ा मैं आपको बता देता हूँ, हैंडपम्प वाला भाड़ा जो लगा था वो 6500 रुपये लगा था, क्योंकि बनारस से जो दूरी थी उसकी वो 200 किलोमीटर के आसपास थी। ठीक है तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।